बाजार में नए आलू आ चुके हैं, इसलिए सोचा कि चलो आपसे शेयर करते हैं आलू की ही कुछ रेसिपीज़ जिन्हें आप व्रत में भी खा सकते हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का होम मिलोपी पर। और आज हम अपने किचन में बनाएंगे ऑल टाइम फेवरेट पोटैटो चिप्स। इसके लिए हमने लिए हैं 2 किलो आलू। तो कोशिश करें कि जो आलू हैं वो अंदर से वाइट कलर के हों, ताकि आपके चिप्स हैं वो वाइट वाइट बने और उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो, जिससे कि जो चिप्स हैं वो बड़े बड़े और अच्छे बने। अब सभी आलूओं को छील लेंगे और छीलते ही इनको फटाफट से पानी के अंदर डाल देंगे, क्योंकि यदि ये हवा में रहेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। इसी तरह से सारे आलूओं को छीलकर पानी में डाल देंगे। सारे आलूओं को छीलकर पानी में डाल लिया है और अब इनसे चिप्स काटेंगे। चिप्स बनाने के लिए एक बड़े बाउल में लेंगे पानी और इसके अंदर इस तरह से चिप्स कटर को रखेंगे और एक एक आलू को उठाकर इसे इस तरह से काट लेंगे। हमें इस तरह से काटना है कि जो आलू हैं वो कटने के बाद सीधा पानी में जाएं, अदरवाइज जो चिप्स हैं वो काले पड़ जाएंगे। और इसी तरह से सारे आलूओं के चिप्स काटकर पानी में डाल देंगे। सारे आलूओं को हमने स्लाइसर की तरह से पतला पतला चिप्स में कट कर लिया है और देखिए कितने पतले पतले और बढ़िया चिप्स बनकर तैयार हुए। जब आप इन्हें स्लाइस करें तो ध्यान रखें कि हाथ में ना लगे, क्योंकि स्लाइसर तीखा होता है और हाथ में लगने का डर रहता है। चिप्स को पानी में डालने के बाद देखिए जो इसका पानी है वो गहरे रंग का हो गया है, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया है और इसमें हल्की हल्की झाग भी आ रही है। तो इसी तरह इनको पानी में मस लेंगे और फिर इसी तरह इसको 3 से 4 बार साफ पानी में से मसल कर निकाल लेंगे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा स्टार्च है वो पानी में निकल जाए। और इसी प्रोसेस को 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। आलूओं को निकालने के बाद जो ये दूधिया सा पानी बच गया है, इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि अपने घर के प्लांट्स में डाल देंगे। पौधों के लिए ये बहुत ही अच्छी फर्टिलाइजर का काम करता है। 4 से 5 बार हमने पानी बदल बदल कर चिप्स को धो लिया है और देखिए अब पानी है बिल्कुल क्लियर है। तो इस स्टेज पर अब इन्हें उबालेंगे। चिप्स को उबालने के लिए एक बड़े भगोने में लेंगे पानी, इतना पानी लेंगे कि उसमें सारे चिप्स अच्छे से डूब जाएं। और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और एक चुटकी फिटकरी। फिटकरी से जो हमारे ये चिप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद और बढ़िया बनेंगे। अब इस पानी को गैस पर रखकर बॉईल करेंगे और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तभी इसके अंदर चिप्स डालेंगे। पानी है अच्छे से उबलने लगा है, इस स्टेज पर इसमें सारे चिप्स को डाल देंगे। सारे चिप्स को पानी में डाल दिया है और उन्हें एक बार हल्के हाथों से इस तरह से हिला देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और देखिए जो चिप्स हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं और दबाने पर नाखून से दब रहे हैं। इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद सारे चिप्स को झारी की सहायता से एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। और स्ट्रेनर में निकालने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो इस तरह से नीचे निकल जाएगा और फिर इन्हें किसी साफ सूखे कपड़े पर धूप में फैलाकर अच्छे से सुखा लेंगे। चिप्स को 2 दिन तक धूप में अच्छे से सुखा लिया है और देखिए कितने बढ़िया क्रिस्प हो गए हैं। और अब इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए सबसे पहले ऑयल को हाई हीट पर गर्म करेंगे और फिर फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तेल है वो खूब अच्छे से गर्म हो चुका है, इस तेल पर इसमें चिप्स को डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद चिप्स को डाल दिया है एक मिक्सिंग बाउल के अंदर। अब इस पर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं, और साथ में टेस्ट के लिए ज़रा सा रेड चिल्ली पाउडर। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुछ लोग इस पर चाट मसाला भी लगाते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है, यानी कि हमारे चिप्स हैं वो बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही वाइट और बहुत ही टेस्टी बने हैं।
तो इस तरह से आप भी चिप्स बनाकर व्रत के लिए रखिए और उनका आनंद लीजिए। और हाँ, यदि रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।